नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बिहार के लगभग सभी घरों में आस्था और भक्ति में पूर्वक मनाया जाता है। इस पर्व के शुभ अवसर पर बिहार वैश्य महासभा महिला मंच मुजफ्फरपुर और कलवार वैश्य महिला समाज के द्वारा नवयुवक समिति ट्रस्ट मुजफ्फरपुर में गरीब निर्धन बेसहारा महिलाओं को बिहार वैश्य महासभा के महिलाओं के द्वारा आर्थिक रूप से मदद और छठ पूजन सामग्री वितरण करने का नेक कार्य किया गया, जिसमें वस्त्र के रूप में साड़ी, सूप, नारियल, अगरबत्ती, गेहूं, केराव, गुड़ देने का कार्य बिहार वैश्य महासभा की महिलाओं द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार वैश्य महासभा महिला मंच की अध्यक्ष नीलम गुप्ता, जेडीयू पार्टी महिला समाज सेवी सविता जायसवाल, समाज सेवी कंचन गुप्ता, लीली साहू, उमा गुप्ता, मेनका सूरी इत्यादि अनेकों महिलाओं की टीम तन मन धन से लगकर सभी गरीब निर्धन बेसहारा महिलाओं की मदद करती हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ मदद भाव से सेवा करना है। हम लोगों की एक छोटी पहल से सभी समाज के लोगों को हर साल हम महिलाओं की टीम मिलकर मदद करने का कार्य करती हैं। इससे हम लोगों के दिल में एक सुकून तसल्ली मिलती है। ऐसा नेक कार्य सभी लोगों को करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो। इस छठ महापर्व लोक आस्था के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद, मुजफ्फरपुर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रभारी विवेक कुमार, नगर आयुक्त और उनकी पत्नी वैश्य समाज के समाज सेवी मनोज राजा और वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज ने मिलकर राहत और प्रसाद वितरण कर सहयोग करने का कार्य किया। जब वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज ने बिहार वैश्य महासभा महिला मंच मुजफ्फरपुर की अध्यक्षा नीलम गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वैश्य महासभा महिला मंच की अध्यक्ष नीलम गुप्ता जी से हो रही है। बताइए, ये छठ सामग्री जो छठ महापर्व बिहार का है, इसमें कैसे आप लोग सब लोग को सहयोग करती हैं? हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा में हम लोग को हमेशा सपोर्ट किया गया है। हम लोग का सहयोगी बहुत सारा टीम है, जिसमें बहुत मतलब तन मन धन से वो लोग बहुत सहयोग करते हैं। हर छठ पूजा में हम लोग का 40-50 आदमी को और 100 आदमी तक भी हो जाता है। छोटी सी कोशिश रहती है कि अच्छे से करें। इस बार हम लोग की टीम में सविता जायसवाल जी है, लीली साहू जी है, कंचन गुप्ता है और उमा गुप्ता जी है। ये सब मिलकर हम लोग तैयार करते हैं मेन मेन सदस्य। ये सब मिलकर हम लोग इस बार छठ में साड़ी, गेहूँ, केराव, सिंदूर, गुड़, नारियल, मेहंदी, सूप सब वितरण किए हैं। इस बार सबका सहयोग बहुत कम रहा है। सविता जी, आप बताइए, ये वैश्य महासभा के द्वारा ये आप लोग का जो छठ का जो मैनेज करती हैं, सब लोगों को गरीब लोग में बांटती हैं, कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? सबसे बड़ा बात ये कि हम लोग का समाज जो इतना बड़ा है और सबसे ज़्यादा सहयोग हम लोग का समाज करता है। हम लोग के समाज के द्वारा ही ये सारा चीज़ हुआ है, तो हम अपने समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी महिला टीम, और इसमें सबसे ज़्यादा मैं नीलम गुप्ता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आगे वो बड़ी है, हम लोग एक सहयोगी हैं और हम लोगों ने सहयोग करके उनके हाथ को और मजबूत किया है। और आज मुजफ्फरपुर की महिलाओं को हम लोगों ने जो बांटा है छठ पूजा, छठी माँ का प्रसाद समझ के जो बांटा है, आज हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है। मैं छठी माँ से प्रार्थना करूँगी अगले बार इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा और समान कर बहुत सारी महिलाओं को हम लोग ये सब चीज़ और दें। छठी माँ का आशीर्वाद हम महिलाओं को हमेशा बनी रहे, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक का पर्व होता है और सुबह के घाट के बाद हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा महापर्व हम लोगों ने करके हम लोग आराम और रेस्ट कर रहे हैं। छठी माँ का मैं बहुत बहुत उनका प्रणाम करती हूँ। छठ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।